हाय एवरीवन बाबू, आज हम लोग लेक्चर टू इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर वन प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके पढ़िए वहां से। बाबू, आपको लेक्चर वन में क्या समझाया गया था? जितने भी बिल्डिंग के कंपोनेंट्स है उसको समझाया गया था, बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया गया था। इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा, यानी 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आपको ऐसा ऐसा सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि वहाँ पे जो उसका पर्पस है इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि स्टूडेंट को क्या करना है, मोटिवेट करना है उसकी ब्रांच से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पहले उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे करवाया जाएगा जो आपको अच्छा लगे पढ़ने में, थोड़ा सा वहाँ से नया नया चीज़ सीखने को मिले, न्यू चीज़ सीखने को मिले सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग का कंपोनेंट दिखाए थे कि स्टेयर क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होता है, डोर क्या होता है, विंडो क्या होता है, पैरापेट वॉल क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है, डीपीसी क्या होता है। तो ये सब जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, लेक्चर नंबर वन में है। लेक्चर नंबर टू में हम लोग आज सीमेंट, कल ब्रिक के बारे में पढ़े थे, आज सीमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? कंक्रीट और ईट से मिलकर बना हुआ है। कंक्रीट में कौन कौन आता है? सीमेंट, सैंड और वाटर आते हैं। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिक को पढ़े थे, उसके बाद सीमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सीमेंट में बाबू देखते हैं हम लोग क्या कि एक ये बाइंडिंग मटेरियल है। जैसे कि आप लोग घर बनते देखे होंगे, बिल्डिंग बनते देखे होंगे, तो वहां पे एक कंक्रीट रहता है जिसमें क्या क्या मिला रहता है, सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, एग्रीगेट रहता है, एग्रीगेट रहता है और वाटर रहता है। ठीक है, तो इस तीनों कंपोनेंट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि सीमेंट क्या है। तो सीमेंट क्या करता है बाबू, उसमें जो सैंड एग्रीगेट का जो मिक्सचर रहता है ना, तो उसमें उसका क्या काम करता है, मिक्सचर बाइंडिंग करने का काम करता है, जो कंक्रीट के मिक्सचर को बाइंड करने का काम करता है वो कौन करता है? सीमेंट। एक कंक्रीट होता है, एक मोर्टार होता है, कंक्रीट होता है, एक मोर्टार होता है। नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो बता रहे हैं हम, मोर्टार होता है। मोर्टार कौन होता है बाबू? जिसमें सिर्फ सीमेंट और सैंड और वाटर हो, एग्रीगेट ना हो। ठीक है, एग्रीगेट ना हो तो मोर्टार हो जाता है, एग्रीगेट मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? कंक्रीट बन जाता है। तो ये सब आगे और दिखा रहे हैं आपको। तो मोर्टार हो या कंक्रीट हो, उसको बाइंडिंग करने का काम कौन करता है? सीमेंट करता है। पहले के जमाने में क्या यूज करते थे सीमेंट की जगह? लाइम का यूज करते थे, लाइम का यूज करते थे। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, बाइंडिंग का मतलब समझते हैं ना आप लोग, तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? सीमेंट। तो पहले सीमेंट को देखते हैं। इट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच एड कोएसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सीमेंट इज मेड बाई एन इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट सच एज लाइम, सिलिका, एलुमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्कलीज, ये सब मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। अब वो कितना क्वांटिटी में मिलाया जाता है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये इतने इंग्रेडिएंट मिलाकर सीमेंट का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी आएगा पढ़ने के लिए, उसमें बहुत ही डिटेल से चलेंगे। अभी सिर्फ था मकसद इस सब्जेक्ट का कि आपको इंट्रो करवाया जाए, सारे टर्म से आपको क्या कराया जाए, पहचान बनाया जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग को डिटेल में चलेंगे बाबू, तो 18 सब्जेक्ट है, खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब एक ही सब्जेक्ट में 18 सब्जेक्ट का है पूरा, जितना आप सिविल इंजीनियरिंग पूरा पढ़ेंगे ना, सबको एक टॉपिक में दे दिया है जिसका नाम है थर्ड सेम में इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। तो हम लोग सिर्फ उसके टर्म के बारे में जानेंगे, सीमेंट कैसे बनता है, कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा मेथड होता है, सब जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी आएगा तब पढ़ेंगे। तो लाइम है बाबू 63%, अगर 100% अगर एक क्वांटिटी लिया जाए, 100 ग्राम लिया जाए सीमेंट, तो उसमें कितना 63% लाइम होता है, 20% सिलिका होता है, और एलुमिना 6% होता है, कैल्शियम सल्फेट 3.5% होता है, आयरन ऑक्साइड 3% होता है, मैग्नीशिया 2% होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5% होता है, अल्कलीज 1% होता है। MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसका ग्रे कलर होता है जो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। ठीक है, तो बाकी की चर्चा हम लोग जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी आएगा तो वहां पे पढ़ाया जाएगा। अब आता है सेटिंग टाइम। आप लोग सुने, जब सीमेंट को पेस्ट बनाया जाता है, कंक्रीट या मोर्टार बनाया जाता है, कंक्रीट मोर्टार में डिफरेंस मालूम है ना बाबू? कंक्रीट में क्या क्या मिक्स रहता है एक बार फिर से देख लीजिए। कंक्रीट में सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, एग्रीगेट रहता है
और वाटर, ठीक है, ये तब कंक्रीट बनता है। इसी में सीमेंट, सैंड और वाटर, ये तीनों से क्या बनता है? मोर्टार बनता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता हो गया। सेटिंग टाइम, अगर हम कंक्रीट का पेस्ट बनाते हैं, कंक्रीट या मोर्टार बनाते हैं, तो उसका सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट। कहने का मतलब कि जब हम पेस्ट बनाए, तैयार किए कंक्रीट या मोर्टार, तो 30 मिनट के बाद जमना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो जमने का मतलब समझ रहे हैं ना, जब सेट होना स्टार्ट हो जाता है 30 मिनट के बाद, और फाइनल 10 आवर में फाइनल सेट हो जाता है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना है? 10 आवर है, और इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग का टाइम कितना होता है? 10 आवर होता है। कुछ फैक्ट्स हैं सीमेंट के बारे में। 1 बैग में 50 kg होता है, मतलब एक बैग सीमेंट का बैग होता है ना, उसमें कितना सीमेंट होता है? 50 kg होता है। अगर वॉल्यूम हम मेजर करें एक बैग में, तो 0.0347 m³ होता है, इतना वॉल्यूम होता है उसमें। तो बाबू, ये सब फैक्ट्स है, इस सबसे क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सबको याद रखिए। डेंसिटी उसका कितना है? 1440 kg/m³, मतलब 1 m³ में कितना केजी आएगा? तो 1 m³ में 1440 kg आएगा। ठीक है, अगर 1 m लेंथ, विड्थ, हाइट के बॉक्स में अगर आप सीमेंट रखेंगे, तो कितना केजी आएगा? 1440 kg आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है बाबू? 3.15। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है? 2250 cm² / g। ठीक है, 1 g में कितना फैलाया जा सकता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, 2250 cm² में। और इसका एवरेज पार्टिकल कितना है? 90 माइक्रोन। ठीक है, 90 माइक्रोन इसका क्या है? एवरेज पार्टिकल साइज है, लेस देन। ठीक है, पार्टिकल साइज का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें जो सीमेंट बना रहता है, जो पार्टिकल से बना रहता है, वो एक पार्टिकल का कितना साइज होगा? तो 90 माइक्रोन से लेस देन होता है। मोटार, अब आते हैं बाबू मोटार। अभी सीमेंट देख रहे थे, अब मोटार। मोटार क्या है बाबू? अभी जस्ट बता रहे थे कि सीमेंट और सैंड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सीमेंट और सैंड के मिक्सचर और बाटर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मोटार बोलते हैं। तो इट इज ए प्लास्टिक मिक्सचर ऑफ ए बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट और मड और लाइम। पहले के जमाने में लाइम यूज करते थे, मड भी यूज करते थे, अब क्या यूज करते हैं? सीमेंट यूज करते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल तीनों है, ठीक है, तीनों बाइंडिंग मटेरियल है, तो तीनों में आप किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल लोग प्रीफर क्या कर रहे हैं? सीमेंट कर रहे हैं। फाइन एग्रीगेट किसको बोला जाता है? सैंड को, सुरखी रेत को बोला जाता है, एंड वाटर। और कोर्स एग्रीगेट गिट्टी को बोलते हैं बाबू। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटार, टाइप्स ऑफ मोटार बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से कितने टाइप के मोटार हैं? तो लाइम मोटार, लाइम मोटार में क्या होगा? लाइम से जो मिलके मोटार बनेगा। सीमेंट मोटार, जो सीमेंट से, अगर हम लाइम को बाइंडिंग मटेरियल दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लाइम मोटार। सीमेंट को दे रहे हैं तो सीमेंट मोटार, लाइम एंड सीमेंट दोनों दे रहे हैं तो गॉज्ड मोटार बोलते हैं। अब मड मोटार किसको बोलते हैं? क्ले और सैंड रहे तो उसको क्या बोलते हैं? मड मोटार बोलते हैं। बाबू, अब कुछ सैंड का जितने भी टर्म है सबको आपको उससे इंट्रोडक्शन करवाया जाए, यही इसका पर्पस है, इस सब्जेक्ट का। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सजेशन है कि जितने भी सब्जेक्ट है सबको एक एक नज़र उसके टर्म से सिर्फ आपको जानना है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं और CCA पूरा पढ़ लिए, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट ऐसा ही चला गया। आपको सिर्फ बाबू यहाँ पे इंट्रो ले लेना है, सबसे जितना है ना यहाँ इनफ, बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है PDF, ठीक है। तो आप आराम से सिर्फ पढ़िए, जितना टर्म बताया जा रहा है उसी को पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गेज मोटार का डिफिनीशन लिखने चले गए, सीमेंट मोटार का डिफिनीशन लिखने गए, खाली टर्म समझना है क्या, इतना ही सिर्फ समझना है, ठीक है। और MCQ प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो आपको खुद पता हो जाएगा कि हाँ कितना हम लोग सीखे हैं, ठीक है। सैंड, इट इज ए फाइन एग्रीगेट विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रिवर, डम, नाला, सी, ये सबसे प्राप्त किया जाता है सैंड, ठीक है। मोटार रिकोमेंडेशन, रिकोमेंडेड फॉर वेरियस वर्क। वर्क देखते हैं, अगर प्लास्टर है ना बाबू, प्लास्टर, मोटार, बार बार बोल रहे हैं मोटार का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि सीमेंट, सैंड, वाटर से मिलके बनेगा। तो ये रेशियो कुछ दिख रहा है 1:3, इसका कहने का मतलब क्या है? रेशियो जो दिख रहा है 1:3, उसका कहने का मतलब क्या है? कि अगर एक देखें, गांव में कथौकी से मापा जाता है, एक बर्तन रहता है जिसे मापा जाता है, तो इसका रेशियो का मतलब है कि अगर एक कथौकी या एक बर्तन अगर सीमेंट है तो 3 बर्तन क्या मिलाया जाएगा? सैंड मिलाया जाएगा,
तीन बर्तन क्या मिलाया जाएगा, सैंड मिलाया जाएगा, यही रेशियो लिखा हुआ है। तो इसी रेशियो पे काम होता है। आप लोग घर में काम होते होता होगा बिल्डिंग का, तो आप लोग सुने होंगे कि कैसे मिलाना है, तो बोलता होगा 2x3 मिला दो, मतलब दो दो कथों की सीमेंट मिलाना है तो 3 कथों की क्या मिलाना है, सैंड मिलाना है, ठीक है। तो यही रेशियो लिखा हुआ है। तो अगर प्लास्टर करना है तो कितना प्रीफर करेंगे, आप लोग घर बनाएंगे अब तो करवाइएगा 1:3, 1:4, दोनों में, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको ज्यादा मजबूत बनाना है तो 1:3 का लीजिए। अच्छा, दोनों में बेस्ट कौन है, 1:3, क्योंकि इसमें 1 सीमेंट है 3 सैंड है, इसमें 1 सीमेंट है 4 सैंड है, तो ये थोड़ा इससे बढ़िया नहीं हुआ, ये बढ़िया कौन हुआ, 1:3, ठीक है। तो अपने वर्क के हिसाब से, ऐसा नहीं कि अगर हल्का फुल्का वर्क है तो 1:3 का ले लिए, वो वर्क के अकॉर्डिंग होगा। तो इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा इस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, तो अभी बहुत दूर है आप, अभी तो सिर्फ आपको इंट्रो लेना है। डीपीसी, डीपीसी समझा रहे थे ना, डीपीसी का काम क्या था कि कैपिलरी वाटर को रोकना होता है। आप फर्स्ट लेक्चर में जाके इसके बारे में देखिएगा, डिटेल से बताया। तो डीपीसी कितना दिया जाता है, 1x1 को दीजिए या 1:2 का दीजिए। 1:1 का मतलब 1 सीमेंट 1 सैंड, एक कथौकी या बर्तन या केजी कुछ में मापिए तो इतना सैंड है तो उतना ही सीमेंट लेना है। अगर आरसीसी वर्क लेना है, आरसीसी वर्क क्या होता है बाबू, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है, जिसमें अगर करना है तो 1:3 ब्रिक वर्क करना है, जैसे ईटा लगाना है तो ईटा में कितना लेते हैं, 1:6 का लेते हैं। 1 सीमेंट लेते हैं तो 6 कितना लेते हैं, सैंड लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंक्रीट, बहुत टाइम से नाम इसका सुन रहे थे, कंक्रीट कंक्रीट। इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, बाटर। बाटर कैसा होना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 to 8.5 आना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए। पीएच मान जानते हैं ना, पीएच पता है ना सबको, कि 7 होता है जो क्या होता है, न्यूट्रल वाटर होता है, उससे ऊपर एसिडिक होता, बेस होता है, नीचे क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है बाबू, एडमिक्सचर अगर जरूरत है तो। यानी कंक्रीट का हम लोग सीधे सीधे मतलब बोले तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड और कोर्स एग्रीगेट का मतलब गिट्टी, ठीक है, आपको हिंदी भाषा में बता दिए। और वाटर का एक प्रोपोर्शन मिलाकर जो पेस्ट बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म आपको इजी समझने के लिए लिखा गया है कि सीमेंट एक पाउडर होता है बाबू, अब पाउडर प्लस वाटर मिला देंगे तो पेस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। पेस्ट, पेस्ट में कौन कौन आ गया, पाउडर प्लस वाटर, अब पेस्ट में अब फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड मिला गया, तो उसी को क्या बोल रहे थे, मोर्टार, जिसमें क्या क्या हो, सैंड हो, सीमेंट हो और क्या हो, वाटर हो, ठीक है। तो ये तीनों मिला के क्या बनता है, मोर्टार। और उसी में अगर कोर्स एग्रीगेट ऐड कर देंगे तो, मोर्टार में कोर्स एग्रीगेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंक्रीट। तो एक शेड्यूल तैयार हो गया कि हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वर्ड है, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले आप कैसे कंक्रीट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं कि 1 सीमेंट लेना है, 2 सैंड लेना है, 3 एग्रीगेट लेना है। ऐसे आप लोग घर बनाते देखे होंगे ना, 1:2, 2:3 लिखने का मतलब क्या है, कि 1 सीमेंट है, 1 बोरा सीमेंट है तो 2 बोरा गिट्टी सैंड है और 3 बोरा क्या है, गिट्टी है, ठीक है। तो यही प्रोपोर्शन है, तो इसी को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बैचिंग कहा जा रहा है। बैचिंग करने के बाद क्या करते हैं हम बाबू, मिक्स करते हैं तीनों के आपस में, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बाटर के साथ है। बाटर क्यों मिक्स करते हैं, ताकि उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट हो, पेस्ट बने, कंसिस्टेंसी वर्कबिलिटी हो, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या, इसके लिए क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। अभी और आगे पढ़ेंगे तो 38% वाटर मिलाया जाता है, ठीक है। तो 38% वाटर में 23% के लगभग हम लोग क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए देते हैं, बाकी जेल वाटर दिया जाता है। जेल वाटर क्या होता है बाबू, जेल वाटर होता है कि वर्केबल हो, काम करने में आसानी हो, ठीक है, पेस्ट को शिफ्ट करने में आसानी हो। तो इसके लिए तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, आगे जब हम पढ़ाएंगे ना आरसीसी पूरा, सभी सेमेस्टर का क्लास होगा, तो आप आगे के हायर सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको सारा चीज मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जिस सेमेस्टर में उतना ही तक का बढ़िया से कीजिए, ठीक है। इस बार आपका सर्वे, सर्वे डिटेल से पढ़िएगा,
सर्वे का वीडियो अपलोड होगा, आप टेंशन नहीं लेना, आप सिर्फ पढ़ते जाना है, ठीक है। अभी एक दो दिन डिस्टर्ब थे तो थोड़ा सा दिक्कत, अब फ्री हो गए तो कल से डेली वीडियो हर सब्जेक्ट का जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बाबू, मिक्स करने के बाद हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग, अगर जैसे देखिए जहाँ घर बन रहा है वहाँ सबके पॉसिबल नहीं होता कि वही क्या बोलते हैं उसको कंक्रीट तैयार किया जाए, कहीं दूसरे जगह होता है वहां से लाते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग करके वहां से उठा कर लाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, प्लेसिंग करते हैं, जैसे देखते होंगे ना लेबर लोग कठौती में उठाकर दूसरे जगह प्लेस, जैसे छत का ढलाई हो रहा है तो नीचे से उठा उठा के जाके ऊपर फेंकते जाता है, तो प्लेसिंग बोलते हैं। प्लेसिंग में भी क्राइटेरिया है बाबू, आगे पढ़ा रहे हैं कि 1.5 मीटर से ज्यादा दूर इसे ऊंचा से नहीं फेंकना है, नहीं तो सीरीग्रेशन हो जाता है, आगे समझा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं। कंपैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें एयर वॉइड रह जाएगा, एयर वॉइड हवा रह जाएगा तो वहां पे होल हो जाएगा, पानी पड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, वहां से पानी चुएगा, बोलते हैं ना छत से सीपेज हो रहा है, पानी आ रहा है, किसके कारण हुआ है कि वहां पे एयर रह गया होगा, आप सही से कंपैक्ट नहीं किए होंगे, ठीक है। तो ये क्यूरिंग, क्यूरिंग का नाम सुने हैं, घर बनता है छत का पटाई करते हैं, पटाते हैं पानी देकर, ठीक है, वही क्यूरिंग है। तो 7 डे से कम दिन में नहीं करना है, ज्यादा ही करना है लेकिन 7 से कम दिन में नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग, ये सब बहुत कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिनिशिंग प्लास्टरिंग करते हैं हम लोग। प्लेसिंग के बारे में सुनिए, प्लेसिंग के बारे में क्या बोल रहे थे, कंक्रीट शुड नॉट बी प्लेस्ड फ्रॉम हाइट मोर देन 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से नीचे जैसे छत पे लोग लेके चढ़ता होगा लेबर लोग, माथे पे रखता है वहीं से पटक देता है, ठीक है। तो 1.5 मीटर से अगर आप गिराइएगा ना तो क्या होगा, गिट्टी भारी कौन है, गिट्टी होगा तो गिट्टी नीचे चला जाएगा, सीमेंट और पेस्ट ऊपर रह जाएगा। तो बताइए गिट्टी मिक्सचर होना चाहिए, सबका मिक्स होना चाहिए ना, तो सेरीग्रेट हो गया, अलग अलग हो गया, सीमेंट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया, गिट्टी अलग हो गया, पानी अलग हो गया, तो आपका सही रहेगा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो जब भी रहेगा तो बोलिएगा नीचे से फेंको, आप जब जब भी देखिएगा तो बोलिएगा थोड़ा नीचे से फेंको, ठीक है। आगे आते हैं, रिमूवल ऑफ एयर वॉइड कंक्रीट इज नोन एज कंपैक्शन। कंपैक्शन का नाम क्या है कि अगर उसमें दिए, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था, ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप कंक्रीट बिछा दिए, डाल दिए, अब इसमें एयर वॉइड होगा तो कंपैक्स करेंगे, देखते होंगे लेबर लोग ठोकते रहता है उसको, या आजकल तो वाइब्रेटिंग मशीन चल गया है, मशीन ला के डाल देते हैं। अगर मशीन से कर रहे हैं तो 1 से 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, वर्ड को ध्यान से समझिएगा बाबू। सबसे पहले तो कंपैक्शन करना है, क्यों करना है, ताकि एयर वॉइड निकले, एयर वॉइड निकले, ठीक है। अब एयर वॉइड 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा कीजिएगा तो क्या होगा, उसमें भी ज्यादा कंपैक्ट कीजिएगा तो गिट्टी अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और बालू अलग स्टार्ट होना हो जाएगा, कब, जब उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगा तो। अगर पानी रहेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, देखते होंगे आप लोग मतलब नदी के किनारे गए हैं तो हम लोग उस पर उछलते थे तो पानी बालू पर से पानी ऊपर आ जाता था, मिट्टी उट्टी में देखे हैं उछलते उछलते, उस पर दबाव डालते डालते पानी ऊपर आ जाता है, बालू के ऊपर से नदी में गए होंगे तो, ठीक है। तो वही ब्लीडिंग उसको बोलते हैं कि जो आपका कंक्रीट बिछा है, छत ढलाई हो रहा है और ऊपर कंक्रीट बिछा है उस पर कंपैक्शन ज्यादा कर देंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। अगर पानी कम है कंक्रीट में आपका तो सीरीग्रेशन हो जाएगा, गिट्टी अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, तो सीरीग्रेशन हो जाएगा कब, जब 3 सेकंड से ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे आप, तो 3 सेकंड से ज्यादा वाइब्रेशन नहीं करना है, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ, ब्लीडिंग कब होगा, जब ब्लीडिंग का मतलब समझ गया ना बाबू, पानी का ऊपर आ जाना, सीधा सीधी मतलब समझे तो पानी का ऊपर आ जाना। यदि एक्सेस वाटर हो तो, ज्यादा पानी हो तो, नहीं तब सेरिग्रेशन कर जाएगा, सेरिग्रेशन का मतलब गिट्टी अलग, बालू अलग, पानी अलग, ठीक है। चलिए क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग अभी बता रहे थे कि हम लोग जब घर बनाते तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी से पटाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट डैम टू प्रोवाइड सफिशियंट वाटर फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन बढ़िया से आप हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का जो सेटिंग टाइम और उसका जो सेट होने का है प्रोसेस, उसमें पानी का जरूरत होता है, ठीक है, तो मिलता रहे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। क्यूरिंग मस्ट बी डन फॉर एट लीस्ट 10 डेज टू 3 वीक, ठीक है। क्यूरिंग का दिन कितना करना है, सब स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग वैल्यू होते हैं, तो किसी का 10 दिन जरूरत पड़ता है, 3 3 वीक का मतलब 24 दिन, ठीक है, तो 24 दिन 25 दिन तक हम लोग क्यूरिंग करते हैं, पटाते रहते हैं, तो ये सब चीज तो आप घर पे देखे होंगे। इफ
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब जो जल्दी जमने वाला सीमेंट है उसको हम लोग लगभग 7 डेज तक करते हैं, उससे कम नहीं करना है। जैसे एक क्राइटेरिया था 10 से 3 वीक तक ना, तो उसको, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में वो जल्दी जम जाता है, इसका नाम ही होता है, सीमेंट का नाम है बहुत सारा, पोर्टलैंड, पोलोज्वालाना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो उसी तरह से ऑर्डिनरी सीमेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो अलग अलग नाम है। आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बार बार बोला जा रहा है, डिटेल से पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अभी जितना बताया जा रहा है आपके लिए इनफ है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 7 डेज से कम नहीं पटाना है, ज्यादा पटा देना है लेकिन कम नहीं पटाना है, ठीक है। अब आते हैं मिक्स डिजाइन बाबू, जो अभी आपको समझा रहे थे उसका कुछ नाम होता है। नॉमिनल मिक्स डिजाइन मतलब नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट इन द रेशियो, मतलब पहले सीमेंट, फिर रहता है सैंड, फिर होता है कोर्स एग्रीगेट। ये जो रेशियो लिखा रहेगा ना, इसका मतलब बताइए क्या होता है, एक बोरा सीमेंट है तो 5 बोरा सैंड है, 10 बोरा क्या है, एग्रीगेट है। इसको M5 के नाम से जानते हैं, M5 के नाम से जानते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अभी समझा देते हैं फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। पूछेगा M10, M5 में कितना होता है, बोलिएगा 1:5:10, मतलब 1:5:10 का रेशियो होता है, एक सीमेंट 5 सैंड 10 एग्रीगेट। बोलेगा M7.5 में तो 1:4:8, ठीक है, 10 में 1:1:3:6, 15 में 1:2:4, 20 में 1:1:3, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन है इसमें बाबू, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसे, अभी 80 तक जाता है, 60-80 सबसे स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो आपको उतना नहीं जानना है, ठीक है, खाली अभी जानना था, टर्म जानना था। तो 60 से 80 भी होता है, ब्रिज व्रिज बनाते हैं तो ज्यादा नॉमिनल मिक्स का, नॉमिनल डिजाइन मिक्स लगता है, ठीक है। तो अभी अभी आप लोग को उतना नहीं जानना है, ये ज्यादा भी होता है और भी होता है, M25 होता है, M30 होता है, कहाँ तक होता है, M80 तक होता है, ठीक है। तो आपको 20 तक अभी पढ़ना है, बाकी बाद में पढ़ना है। तो सबसे अच्छा इसमें कौन है बाबू, अगर इतना M20 तक देखे तो वो इसमें देखिए, एक सैंड है, एक सीमेंट है, डेढ़ सैंड है, और 3 क्या है, एग्रीगेट है, तो ये यही आपका प्रोपोर्शन है, ठीक है। अच्छा, कुछ डिजाइन एक्स्ट्रा हमको बढ़िया हैवी स्ट्रक्चर बनाना है तो खुद का डिजाइनिंग करना होता है, डिजाइन करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज RCC में आपको सिखाएंगे हम, डिजाइन मिक्स, तो उसमें फॉर्मूला पे पुट करते हैं, FT=FCK+1.65σ, जहां FT क्या है, टारगेट स्ट्रेंथ है, FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 20 डेज, मतलब सीमेंट, इसका मतलब समझा देते हैं, सीमेंट का एक पेस्ट बनाते हैं और सीमेंट को जमने के लिए छोड़ देते हैं 24 आवर तक, उसके बाद 28 दिन के बाद इस पर कंप्रेसिव टेस्टिंग करते हैं कि कितना लोड पे ही टूट रहा है, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद, ये सब डिटेल में पढ़ा जाएगा आगे। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, जैसे M5 के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 3.5 है, M7.5 के लिए कितना है, 3.5 है, M10 का कितना है, 3.5 है, M15 का 3.5 है, M20 का 4 है, M25 का 4 है, तो ये सब सिग्मा स्टैंडर्ड। तो इस पे वैल्यू पुट करके आपको सब चीज़ पता रहेगा, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगा वही आपका डिजाइन मिक्स होगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ तक हुआ आपका, अब आते हैं टिम्बर के बारे। अच्छा, अभी बिल्डिंग मटेरियल चल रहे थे ना, तो बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग सीमेंट देख लिए, ब्रिक देख लिए, कंक्रीट देख लिए, अब क्या देख रहे हैं, टिम्बर। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल का मतलब फर्स्ट लेक्चर देख के आए ना आप लोग, नहीं देख के आए तो पहले उसको देखिए, वहां पे क्या बताया गया था कि बिल्डिंग बनाने में क्या क्या चीज लग सकता है। तो लकड़ी का यूज होता है, प्लास्टिक, ग्लास, ईट, कंक्रीट, सीमेंट, बालू, पत्थर, सबका यूज होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बारी बारी से। तो टिम्बर क्या है बाबू, आफ्टर फॉलिंग ए ट्री व्हेन इट्स रूट क्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड इज नोन एज टिम्बर। अगर आपको टिम्बर डिटेल में पढ़ना है तो WMP में हम पढ़ाए थे सेकेंड सेम में, ठीक है, वहां पे लेक्चर जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, अभी तो लाइव पढ़ाए थे इस चीज को, मतलब फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम को लास्ट सॉरी लाइव पढ़ाए थे, तो आपको तो वीडियो रिकॉर्डेड वहां पे होगा नहीं, तो जब भी अपलोड किया जाएगा WMP का सेकेंड सेम का, तो आप जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज अभी 2022 के लिए, जब 2023 में कोई होंगे तो वहां ऑलरेडी अपलोडेड होगा, ठीक है, तो जाके आप देख लीजिएगा। टिम्बर क्या है, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप WMP में जाके पढ़िए, क्योंकि अभी इसको डिटेल नहीं पढ़ाना है, ठीक है, डिटेल पढ़ना है तो आप WMP के लेक्चर जाके देखिएगा, वहां पे टिम्बर के बारे में लगभग, तो सेकेंड से में हम 15-20 दिन पढ़ाए थे, ठीक है,
कारपेंटरी को 15 से 20 दिन सबसे ज्यादा उसी को पढ़ाए थे, उसके बाद बिल्डिंग पढ़ाए थे, ठीक है। तो अगर पढ़ना हो तो WMP में पढ़ लीजिएगा। अभी आपको शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं कि किसी पेड़ को, पेड़ देखे होंगे ना, किसी भी पेड़ को अगर हम ऊपर से इसका ब्रांच काट दे और नीचे रूट काट दे तो जो पोर्शन प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं, है ना, टिम्बर बोलते हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ग्रोथ के हिसाब से, एक्सोजेनस इंडोजेनस। एक्सोजेनस क्या है बाबू, जो अंदर से मजबूत हो, ऐसे अंदर से हार्ड हो बाहर की ओर सॉफ्ट हो, ठीक है। और इंडोजेनस क्या हो, बाहर की ओर सॉफ्ट हार्ड हो अंदर की ओर सॉफ्ट हो, ठीक है, अंदर की ओर सॉफ्ट हो और बाहर की ओर हार्ड हो। बांस का पेड़ देखे हैं, अंदर में खोखला होता है, बांस का पेड़ देखे हैं, अंदर में खोखला होता है, तो ये क्या है, इंडोजेनस है। तार का पेड़ देखे हैं, खजूर का पेड़ देखे हैं, बाहर कितना हार्ड होता है, अंदर बहुत सॉफ्ट होता है उसका, ठीक है, अंदर सॉफ्ट होता है बाहर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बाहर बहुत हार्ड होता है, अंदर सॉफ्ट है, तो ये क्या है, इंडोजेनस ट्री है। एक्सोजेनस ट्री क्या है, जो अंदर की ओर हार्ड हो बाहर की ओर सॉफ्ट हो, ठीक है। जैसे इसमें इंडोजेनस को बोलेंगे बंबू, केन, पाल्म, ठीक है। अगर एक्सोजेनस में भी दो टाइप का है, एक सॉफ्ट वुड होता है, एक हार्ड वुड होता है, तो आपको देखना है, कॉनिफर्स अगर ट्री है तो सॉफ्ट वुड होगा, डेसिड्यूअस है तो हार्ड वुड होगा, जैसे देवदार हो गया, पाइन हो गया, ठीक है, ये सब हो गया सॉफ्ट वुड का, बबूल, महोगनी, ओक, साल, टीक, ETC क्या हो गया, हार्ड वुड का हो गया। एक्सोजेनस ट्री क्या है, दीज आर ट्री ग्रो आउटवर्ड डायरेक्शन। एक्सोजेनस, इंडोजेनस क्या होता है, अंदर में खोखला टाइप का होता है, मतलब कमजोर होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक्सोजेनस में क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर हार्ड होता है, यानी इसमें जो पीथ होता है ना बाबू, पढ़े थे ना आप लोग, जो कॉलेज में होंगे आपको पढ़ाया गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया होगा तो यहाँ थोड़ा सा बताते, ये जो सबसे बीच वाला पाथ है इसको पीथ बोलते थे, याद है। अब पीथ इसमें डेड पोर्शन होता था, यानी ये मरा हुआ पोर्शन होता था, इसमें पानी की मात्रा नहीं होता था। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, एंगुलर रिंग होता था जो एज बताता था, पेड़ का कितना एज है, कहाँ से हम लोग पता करते हैं, एंगुलर रिंग से पता करते हैं, ठीक है। मेडुलरी रे क्या करता था, स्ट्रेंथ देता था, ठीक है। तो ये सब चीज पढ़ाया हुआ है बाबू, एक बार जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। दिज ट्री ग्रो इन आउट, अगर अभी देख रहे होंगे 2022 में, तो थोड़ा दिन वेट कीजिए, WMP का वीडियो अपलोड होगा तब देख लीजिएगा जाके, ठीक है, वहां पे बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। तो एक ही चीज को बार बार क्यों पढ़ा, आउटवर्ड डायरेक्शन एंड दे बिकम सॉफ्टर टूवर्ड आउटसाइड। आगे आते हैं बाबू, सीजनिंग। सीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टिम्बर का। सीजनिंग में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट, पानी पेड़ को काटे ना बाबू तो उसमें बहुत सारा मात्रा में सैप होता है, ठीक है। सैप देखें गोंद टाइप का होता है, पेड़ से काटने के बाद गिरते रहता है, जिसको रबड़ आप लोग बनाते थे उससे या बनाया जाता है, ठीक है। सैप, सैप का कैसे फोटो दिखा सकते हैं, तो वो यानी ऐसे काटते हैं ना पेड़, तो ऐसे ऐसे गिरते रहता है ना, ऐसे 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 गिरते रहता है ना, यही क्या कहलाता है, सैप कहलाता है। तो सैप को बाहर निकालना, मॉइस्चर कंटेंट को बाहर निकालना सीजनिंग कहलाता है। यानी पेड़ को काट दिए, पेड़ को काट दिए, पेड़ को काटने के बाद देखते होंगे वाटर में डाला जाता है या एयर कंटेनर में, या उसको क्या बोलते हैं हम, धूप में नहीं छोड़ा जाता है, शेड में छोड़ा जाता है, ताकि उससे, अरे आप लोग सूखने के लिए देते हैं ऐसा समझिए, ठीक है, सूखने के लिए देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। बाहर निकालना मॉइस्चर कंटेंट क्या कहलाता है, सीजनिंग कहलाता है। अगर सीधा सीधा वर्ड में बोले कि टिम्बर से पानी निकालना सीजनिंग कहलाता है, अब सुनिएगा ध्यान से, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए टिम्बर सो डेट इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई फंगस। ऐसा करते क्यों है, ताकि उस पर कोई फंगस ना लगे, ठीक है। देखते होंगे कुर्सी उर्सी, कुर्सी टेबल बेंच में किट किट का आवाज आते रहता है और पाउडर फॉर्म होता रहता है, उसमें एक होल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब किसी उसमें फंगस लग जाता है, तो ये सब ना लगे इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, सीजनिंग करके रखते हैं। घर में अचार बनाते देखे हैं, मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको सुखा कर तेल उल डाल कर रखते हैं, ताकि उसमें कोई फंगस ना लगे, ठीक है। उसमें कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसमें हरा हरा लग जाता है ना काई जैसा, तो वो सब ना लगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, सुखा के रखते हैं ना, तो इसी तरह से सुखा के रखते हैं इसको, उसी को बोलते हैं। और कितना परसेंट तक मॉइस्चर रिड्यूस होना चाहिए, मिनिमम 12% तक, 12% रहे। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ए वेल सीजन टिम्बर शुड नॉट बी मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 12%। 12% से ज्यादा मॉइस्चर उसमें नहीं रहना चाहिए। एक अच्छा टिम्बर का क्वालिटी क्या है कि 12% से ज्यादा उसमें पानी नहीं होना चाहिए। सीजनिंग कितने टाइप का होता है बाबू, सीजनिंग नेचुरल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग।
सर्कुलेशन ऑफ एयर, वाटर सीजनिंग तो ये होगा नेचुरल, और बॉयलिंग केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, ये सब होगा तो क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो अभी तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, WMP में पढ़िएगा। यहाँ पे दो एक चीज डिटेल में कर देते हैं, वाटर सीजनिंग, क्योंकि आपका दिमाग में यहाँ पे एक डॉट आएगा कि सर अभी आप बोल रहे थे कि वाटर निकालना है तो वाटर में ही सीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग देखें रिवर उवर में ऐसे ऐसे लकड़ी डाला रहता है तो सोते होंगे फेंक दिया है ना, नहीं ऐसा नहीं है बाबू। पानी में देखिए, नदी उदी में पानी सर्च कीजिएगा वाटर सीजनिंग, देखिएगा नदी में बहुत सारा पेड़ डाला रहेगा, पेड़ काट काट के डाला रहेगा, तो सीजनिंग हो रहा है। सीजनिंग कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो सैप है, सैप सर्च कीजिएगा गूगल पे, आप पढ़े होंगे तो सर सैप सर्च कीजिए, दिखा देगा कि सैप क्या है। तो सैप को बाहर निकालने के लिए हम पहले वाटर में डाल देते हैं। क्या होता है, पानी सबसे पतला चीज होता है, इसको पानी क्या करेगा, ऐसे मान लीजिए इसका धारा है, करेंट है, इसका बहाव है इसका, तो क्या करेगा इसके पानी के अंदर इंटर करेगा और सैप को बाहर निकाल देगा। सैप को ये जल्दी नहीं होता है, 3 वीक शायद टाइम लगता है, 2 से 3 वीक टाइम लगता है। तो पानी इसके अंदर गया, सैप को बाहर निकाल दिया, सब सब सैप को बाहर निकाल दिया। अब निकाल दे, अब भींगा हुआ है ना, पानी से भींगा हुआ ना, पानी से भींगा हुआ चीज जल्दी सूखता है। तेल से कपड़ा भींगा दीजिए सूखने के लिए दीजिए, पानी से कपड़ा भींगा दीजिए सूखने के लिए दीजिए, कौन पहले सूखेगा, तो पानी वाला सूखता है ना। तो इसलिए पानी से ही ने भींगा, सैप तो निकल गया, उसके अंदर जो लावा क्या था, लिक्विड जैसा था, एक गाढ़ा लिक्विड जैसा था, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब बचा भींगा हुआ पोर्शन, उसको लाएंगे सर्कुलेशन ऑफ एयर में। सर्कुलेशन ऑफ एयर में क्या होता है, एक सेड बना रहता है, ठीक है, और उसके अंदर लकड़ी को सजा देते हैं, धर देते हैं, ठीक है। हवा के कारण धीरे धीरे सूख जाता है। 300 mm के ऊपर गुटका रख देते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यही हो गया बाबू आपका क्या, वाटर सीजनिंग हो गया है ना। चलिए तो बाकी जाके देखिएगा, उसमें पढ़ाएंगे आपको क्या बोलते हैं कारपेंट्री में WMP का सेकेंड सेम का जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि जाके कारपेंट्री में टिम्बर पढ़ लीजिए, तो वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं क्या बिल्डिंग कंपोनेंट में, क्या पेंट का भी काम है, तो पेंट ये सब बताने का चीज है बाबू, पेंट थिनर आपको तो पहले से ये सब यूज आप भी किए होंगे कभी 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 ना कभी, ठीक है। तो पेंट क्या है, एक लिक्विड सरफेस है जो किसी मटेरियल पे कोटिंग करते हैं ताकि उस पर इन्वायरमेंटल अफेक्ट ना पड़े, है ना। हम लोग देखिए लोहे के डोर होता है, विंडो होता है, तो वहां पे हम पेंट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि इन्वायरमेंट कंडीशन इस पे अफेक्ट ना करे, वर्षा पानी हवा इस पे अफेक्ट ना करे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। थिनर क्या होता है, थिनर पेंट को पतला करने के लिए, बर्केवल कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ये हो और क्या हो, करने के लिए इसको स्पीड जल्दी जल्दी हो, इनक्री मतलब स्पीड इनक्री स्पीड मतलब समझ रहे हैं, बिखराव, ठीक है, बिखराव जल्दी जल्दी हो, नहीं बर्केवल हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, थिनर यूज करते हैं। थिनर का नाम क्या क्या है, टर्पेंटाइड ऑयल है, किरोसिन ऑयल है, करासन जिसको बोलते हैं, स्पिरिट है, पेट्रोलियम है, ठीक है, नेप्थ है, ETC क्या है, थीनर है। तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं ना बाबू, ठीक है। लाइम, लाइम को बहुत दिन से बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे। लाइम क्या है बाबू, कि जब लाइम इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट। अगर कैल्सियम कार्बोनेट को 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है तो जो कैल्सियम ऑक्साइड बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, और CO2 गैस बाहर होता है, ठीक है। यही लाइम है बाबू, कि कैल्सियम कार्बोनेट को 600 से 800 डिग्री पे गर्म कर दो तो लाइम मिल जाता है, और कुछ प्यूरिफिकेशन भी होता है। तो सिर्फ आपको लाइम के बारे में जानना था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मतलब कितना हीट देने पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो 2500 से 7200 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है, 12 से कम होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 3.14 होता है, और डेंसिटी कितना होता है, 1000 से कम होता है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब समझा रहे थे ना, कि 1 m³ में कितना आएगा, तो सीमेंट कितना आ रहा था, 1440 kg ना, ठीक है, ये कितना आता है, 1000 से कम आता है लाइम। तो ये कुछ फॉर्मूला, CaCO3 को 600 से 800 डिग्री पे अगर गर्म किया जाए तो Ca+CO2 होता है, कार्बन गैस कार्बन ऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, जो बचता है कैल्सियम ऑक्साइड उसी को क्या कहते हैं, लाइम कहते हैं। ग्लास के बारे में, तो ग्लास तो सब यूज करते हैं, ठीक है। ग्लास इज ए मेंबर विच ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुकेंट इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्यूजन ऑफ सिलिका विथ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्सियम एंड मैग्नीशियम।
फ्यूजन ऑफ सिल्का, सिल्का को भी पिघलाकर और कुछ प्रोपोर्शन होते सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, उससे क्या बनता है, ग्लास बनता है। तो इसके बारे में ज्यादा क्या पढ़ना, फॉर्मूला है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ आपके पास दिया गया है। लास्ट चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल प्लास्टिक। प्लास्टिक जानते हैं बाबू क्या होता है, आप लोग सब यूज करते होंगे आजकल तो समझिए लगभग प्लास्टिक का ही जमाना है। प्लास्टिक इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट टुगेदर विद द पॉलीमराइजेशन एक्शन, ठीक है। थर्मोप्लास्ट, इसमें दो तरह के होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, देखिए नाम दोनों को एक जैसा लग रहा होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक, लेकिन डिफरेंस है आसमान जमीन का, ठीक है। दीज प्लास्टिक सेट इनटू परमानेंट शेप बाय हाई टेम्परेचर, ये परमानेंट स्ट्रक्चर में सेट हो जाता है, जिसको पिघलाने दोबारा गर्म करके आप उसको पिघला नहीं सकते, दूसरा चीज मतलब न्यू चीज रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे आप देखें बैटरी, देखें बैटरी में जो प्लास्टिक होता है, आप जो बोर्ड होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, वो सबको पिघला कर आप दूसरा चीज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। तो ही है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक क्या है, जिसको पिघला कर आप दोबारा बना सकते हैं, जैसे बाल्टी उल्टी नहाते हैं, जो बाल्टी हो गया या ब्रश उरस वाला प्लास्टिक हो गया, ब्रश का जो पीछे वाला स्टीम होता है, ठीक है, या कोई भी प्लास्टिक जिसको पिघला कर हम दोबारा सामान बना सकते हैं। रीहीटिंग प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज देयर शेप, चेंज नहीं होगा, उसको रीहीट करेंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। इस प्लास्टिक टेम्परेचर कितना होता है, 127 डिग्री टू 143 डिग्री सेल्सियस, ये थर्मोसेटिंग था। थर्मोप्लास्टिक क्या है बाबू, थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड एंड इफ कूल्ड ऑन दे फिक्स देयर शेप। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कैन हैपन लॉट ऑफ टाइम्स, इट फिक्स एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे ही वो पिघल जाएगा। यूज ऑफ प्लास्टिक इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्या क्या बनाते हैं हम लोग, डोर बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, फ्लोरिंग बनाते हैं, पैनल्स बनाते हैं, वाटर टैंक बनाते हैं, डेकोरेटिंग पर्पज से हम लोग उसका यूज करते हैं। तो बाबू आज बिल्डिंग, देखिए आपका क्या था, 18 सब्जेक्ट था ना इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया जिसका नाम था बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, जिसका नाम क्या था, बिल्डिंग मटेरियल। तो आपका एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, कल से हम लोग किस पे चलेंगे, शायद इन्वायरमेंटल पे, मतलब आपका पीडीएफ में अगला है इन्वायरमेंटल है, ठीक है। तो अब हम लोग कल से इन्वायरमेंटल में चलेंगे, तो आपका 18